बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, हम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पूरे कंप्यूटर के कार्यों को मैनेज करता है, उनके रिसोर्सेज को मैनेज करता है, पूरे कंप्यूटर के कार्यों को कंट्रोल करता है और बाकी अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में मदद करता है, सहायता करता है। तो इस प्रकार हम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने सबसे पहले बताया कि हमारे पास कंप्यूटर की जो सबसे पहली स्क्रीन अवेलेबल होती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। तो हमारे पास ये जो स्क्रीन दिखाई जा रही है डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, इनको हम बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे मुख्य और पहला भाग जो रहता है वो रहता है स्टार्ट बटन के रूप में। यदि आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक स्टार्ट मेन्यू अवेलेबल हो जाता है, जो आपको आपके कंप्यूटर के अंतर्गत इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स और इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ नीचे एक बार दिखाई जा रही है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है नीचे, इसे हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार आपको विंडो की बेसिक टास्क करने में मदद करती है। इसी तरह से यदि आप यहाँ ऊपर देखें तो छोटी छोटी पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स को हम आइकॉन कहते हैं, जो एक खास तरह के सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती हैं या उन इम्पोर्टेंट प्लेसेस को दिखाती हैं जहां पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं डेस्कटॉप के द्वारा। यहां पे हर एक आइकॉन एक अलग एप्लीकेशन या अलग फोल्डर या अलग प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ यदि हम देखें तो यदि मैं यहाँ इस पे लेफ्ट क्लिक करूँ तो देखिए अवर्स्ट फ्री एंटीवायरस सिलेक्शन में आ गया है। देखिए यदि आप यहाँ ध्यान दें तो आप इसके आसपास एक बाउंड्री अवेलेबल हो गई है, जो ये जानकारी दे रही है कि हमारे पास ये आइकॉन सिलेक्टेड है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो फिर ये आइकॉन मेरे पास सिलेक्टेड हो जाता है, और यदि मैं कहीं भी बाहर क्लिक कर देता हूँ तो सिलेक्शन हट जाती है। इसी प्रकार से आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ कुछ गैजेट्स दिए गए हैं। विंडोज 7 के द्वारा प्रदान किए गए गैजेट्स आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपके डेस्कटॉप पे ही अवेलेबल करवा देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ सबसे नीचे की तरफ देखें क्लॉक दिया गया है एक, इसी तरह से यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो एक कैलेंडर, और यहाँ ऊपर की तरफ सीपीयू और रैम प्रोसेसिंग की जानकारी दी गई है। टास्क बार पर यदि हम राइट हैंड साइड नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया दिया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और आइकॉन्स दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला पीसी इश्यूज के बारे में, जो हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी और विंडो अपडेशन से रिलेटेड है और समय समय पर हमें जानकारी देता रहता है। देखिए इसी तरह से मेरे पास यहाँ दूसरा जो आइकॉन अवेलेबल है वो बैटरी का है, जो ये जानकारी देता है कि मेरे लैपटॉप की बैटरी फुल चार्ज। यदि आप डेस्कटॉप प्रयोग कर रहे हैं तो ये आइकॉन आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस कनेक्टेड है या नहीं इसकी जानकारी, और यहाँ छोटा सा एक स्पीकर का निशान है जो आपके कंप्यूटर के स्पीकर्स की वॉल्यूम की जानकारी देता है। यदि मैं इस पे क्लिक कर दूं तो देखिए आपके पास एक स्लाइडर ओपन हो जाता है, जिसको ऊपर नीचे करके आप वॉल्यूम घटा या बढ़ा सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा आपको लेफ्ट क्लिक दबा के रखना होता है जब आप स्लाइडर को ऊपर या नीचे करते हैं। इसी तरह से यदि मैं बाहर क्लिक करता हूं तो ये फिर से आइकॉन हट जाएगा। बिल्कुल लास्ट में फिर से मेरे पास यहाँ डेट और टाइम की जानकारी दी गई है माउस ओवर करने पे, अर्थात माउस वहां रखने भर से ही वो आपको अतिरिक्त जानकारी भी अवेलेबल करवा देता है, जैसे कि दिन, महीना, डेट और साल। जब भी आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं पहली बार, तो आपके सामने इस प्रकार का डेस्कटॉप कुछ इस तरह से शो किया जाता है, जिसमें यहाँ पे किसी भी तरह का कोई आइकॉन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रिसाइकिल बिन का एक आइकॉन अवेलेबल रहता है। इसी तरह से आपके पास डिफॉल्ट रूप से तीन आइकॉन आपके पास अवेलेबल रहते हैं, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का, दूसरा विंडो एक्सप्लोरर का, और तीसरा आपके पास अवेलेबल रहता है विंडोज मीडिया प्लेयर का। टास्क बार पे जो प्रोग्राम्स पिन रहते हैं आप उनको डायरेक्टली टास्क बार से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ विंडो एक्सप्लोरर दिया गया है, जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक चौरस विंडो मेरे पास सामने आ जाती है। विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग आप अपने कंप्यूटर के कंटेंट को देखने के लिए कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं बेसिक विंडो बटन्स की। आपके पास जब भी आप कोई विंडो ओपन करते हैं तो बिल्कुल एक चौरस रूप में एक विंडो ओपन हो जाती है, और यदि आप यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे देखें, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे देखें, तो तीन बटन आपके पास अवेलेबल हैं,
माउस रखते ही वो आपको उसका नाम भी बताता है, जैसे कि पहले का नाम क्लोज, दूसरे बटन का नाम मैक्सिमाइज और तीसरे बटन का नाम मिनिमाइज है। यदि मैं खुली हुई विंडो को बंद करना चाहता हूं तो यहां क्लिक करके उसे बंद कर सकता हूं। इसके लिए लेफ्ट क्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं विंडो का, तो यहां बीच में मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कीजिए, आपके पूरे डेस्कटॉप पे विंडो एक्सप्लोरर वाली विंडो अवेलेबल हो गई है। फिर से आप छोटा कर सकते हैं। अब की बार देखिए यहाँ नाम चेंज हो गया है, रीस्टोर डाउन। दोबारा मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो फिर से देखें यदि आप, तो विंडो का जो शेप है फिर से छोटा हो गया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार साइज को सेट कर सकते हैं। इसके लिए माउस कहीं भी बॉर्डर पर रखें विंडो के, और आप उसे अंदर या बाहर की तरफ यदि आप खींचते हैं तो आपके पास यहाँ पे विंडो उस साइज में अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे एक लास्ट बटन और अवेलेबल है, मिनिमाइज। यदि मैं यहाँ मिनिमाइज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास से डेस्कटॉप से वो विंडो हट जाती है और टास्क बार पे एक आइकॉन के रूप में अवेलेबल हो जाती है। देखिए यहाँ पे मेरे पास जैसे ही माउस इस पे लेके जाता हूँ तो मेरे पास उसका एक प्रीव्यू अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। इसी तरह से बाकी विंडोज या बाकी प्रोग्राम्स जो अवेलेबल हैं, यदि मैं उन पे भी माउस लेके जाऊं तो मुझे उसकी जानकारी भी मिलती है। मैं फिर से इसे ओपन कर लेता हूं। आप यहां यदि क्लिक करें तो आप फिर से इसे वापस डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। इसी के साथ यदि आप दोबारा अगर यहीं पे क्लिक करते हैं तो फिर से मिनिमाइज, तो इस प्रकार से आप यहीं से इसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं।